दोस्तों कैसे हो आप सब भाई, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैगनन में। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। भाई देखो, इस वाली वीडियो में भी आपको 7 से 8 ओपी लूट देने वाला हूँ। 7 से 8 ओपी लूट आपको मिलेंगी, और मतलब 2-3 ओल्ड लूट के अपडेट भी आपको मिलेंगे। कैसे आपको, और ये कोलवर वॉलेट का ही बताऊँगा कैसे आपको सेल वगैरह करना है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे पहले अगर हमारे आप वाइट चैनल पर नए आए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो और पे प्रेस। और भाइयों अगर वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, एक लाइक तो जरूर से कर दो, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है, मतलब आपका प्यार देख के यार अच्छा लगता है। तो बस यार कर दिया करो, और बस वीडियो को एंड तक देखना। एक एक लूट भाइयों बिल्कुल ओपी है यार, बिल्कुल यूनिक लूट है। ओके सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और सॉरी फॉर डिले। देखो भैया, पहली लूट जो आ रही है ना, पहली लूट आ रही है मतलब ये उससे माइनर की तरफ से, माइनर मतलब ये EGLD का प्रोजेक्ट है ना ये, तो इसकी तरफ से आ रही है बैटल ऑफ यील्ड्स की तरफ से। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, इसमें प्राइस पूल तो आप देख ही सकते हो, एक लाख USD का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने बाद कुछ टाइम ऐसे प्रोसेस लेगा, और आपको इसकी ले लेनी है कि स्क्रीनशॉट। ओके पहले तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली। अब यहाँ आपको माइनर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाओगे माइनर के ऐप पे, मतलब प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिर आप जैसे ही ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। क्रिएट न्यू वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ आपको नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना, और आपके फ़ोन पे आएगा एक OTP। जैसे भाई OTP आ गया, मैंने यहाँ फिलअप करा दिया। OTP जैसे ही फिलअप करा देते हो कुछ टाइम यहाँ लोड लेगा, लोड लेने बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। भाई जैसे मेरा वॉलेट होगा क्रिएट, वॉलेट क्रिएट होने बाद आपको सिर्फ मतलब 2-3 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको पिन सेट करना है वॉलेट का, ताकि आपका वॉलेट प्रोटेक्ट वगैरह रह सके। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ अपना वॉलेट पिन। डालने बाद यस पे क्लिक करना। अब आपको अपना वॉलेट करना है बैकअप, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में आती है फ्रेस की, वही मतलब सेव वगैरह करके बैकअप कर देना। बस 3 प्रोसेस तक आपको करने हैं 5 में से। ओके तो मैं कर लेता हूँ। और भाई जब आप टर्म्स एंड कंडीशन मतलब अरेंज करोगे तो आपको मतलब एक टाइप से वो दिखाएगा, मतलब कि आपको ऐसे ऐसे अरेंज वगैरह करना होगा कि इफ़ आई शेयर माई सीक्रेट फ्रेंड्स आई विल लॉस माई मनी। तो बस ये आपको जमा देना है, इफ़ आई मतलब ऐसे ऐसे करके जमा देना। देख सकते हैं भाई मैंने जैसे कि बैकअप कर लिया। बैकअप करने बाद अब आपको फिर से आना है बैक आने बाद मैं आपको एक प्रोवाइड करूँगा वॉलेट की लिंक। मतलब भाई वॉलेट की लिंक वही है माइनर वाली, मतलब ये आपके पास ऐप नहीं है तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट तो हो जाओगे वैसे, मतलब कर लेना आप खुद भी। ज्वाइन नाउ पे मैं जैसे फिर से दोबारा क्लिक करता हूँ, और फिर से मतलब अब आपको क्या करना होगा, अब आपको माइनर लॉगिन पे फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे पिन वगैरह दे देना, पिन वगैरह देने बाद अब आपको यहाँ क्लिक करना है बीच वाले पे, इस पर क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना। वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अलाउ यूजिंग ऐप पे क्लिक। अब जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगवाई थी ना, तो उसे आपको अपने किसी दूसरे फ़ोन में भेज देना है। दूसरे फ़ोन में भेज के उसे स्कैन करा लेना है QR कोड। तो मैं जैसे कि कर लेता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने स्कैन कर लिया, स्कैन करने में अप्रूव पे क्लिक करता हूँ। अप्रूव पे क्लिक करने में बस आपका यहाँ से वॉलेट हो जाएगा कनेक्ट। ऊपर से आ चुके नोटिफिकेशन आने बाद देखो भाई जैसे आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाना है, कनेक्ट होने बाद फिर से आपको इसी वाले पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ से पहले तो देखो यार, ये आपको ओनली प्रोसेस ब्राउज़र में करना है, किसी भी टैब में मत कर लेना ओनली, वरना आपका ऑप्शन आएगा नहीं। जैसे कि भाई एक बार और करके दिखाता हूँ, माइनर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने में आपको अपना पिन वगैरह दे देना। पिन वगैरह देने बाद आपको यहाँ बीच वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने में वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना। वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करने बाद आपको अपना QR कोड स्कैन करा देना है। अब वो भी आपको लाइव स्कैन करके दिखाता हूँ मैं कैसे करवाना है। देख सकते हैं मैं दूसरे फ़ोन में टैब में आ गया और मैंने स्कैन करा दिया। स्कैन कराने के बाद मेरा सक्सेसफुली यहाँ मतलब अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा और मेरा इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं भाई अप्रूव का ऑप्शन आ गया। अप्रूव जैसे ही कराओगे ना आपके मतलब, जैसे कि भाई मैंने अप्रूव सक्सेसफुली करा लिया, अब आपके में डायरेक्ट ये वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा दूसरे मतलब आपके ब्राउज़र में। बस आपको अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम डाल देना है। तो मैं जैसे कि अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम वगैरह दे देता हूँ, मैंने देने बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना, एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको अभी तो इतना सा काम करके रख लेना है, इनका बाद में जो इवेंट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
देखो भाई ये वॉलेट लिंक है, मतलब ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं आपको पूरे इनकी मतलब पूरी इन्फो पे एक बार दिखा देता हूँ, मतलब इनका कैसे कैसे करके आ रहा है। तो पहले तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने बाद देख सकते हैं यहाँ मतलब देख सकते हैं प्राइस पूल तो इनका 1,00,000 USD, ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन लाइव है और देखो रजिस्ट्रेशन ओनली चलने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब ये कल ही 5:30 बजे सुबह के ओवर हो जाएगी। ओके, तो ये सब प्रोसेस हमने कर ली, अब बस हमारी ये वाली प्रोसेस रह गई, इन वाले चैनल्स को आपको फॉलो कर लेना है, मतलब सबको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ट्विटर पे कर लेना फॉलो। फॉलो करने बाद देख सकते हैं डेडलाइन मतलब आज ही, मतलब यूटीसी के मतलब जो हमारे मतलब बज गए 12, तो 12 से 5:30 घंटे और बढ़ा लो तो सुबह के कल सुबह 5:30 बजे ये ओवर हो जाएगा, तो फटाफट से कर लेना। और 14 तारीख को इनका न्यू इवेंट भी आएगा, वो 28 सितंबर तक चलेगा, वो भी आपको बता दिया, वो भी फटाफट से कर लेंगे। और मतलब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका बहुत जल्द हो जाएगा, मतलब 7 दिन के अंदर ही हो जाएगा। ओके, तो पहले तो इन सबको ज्वाइन कर लेना। तो जैसे ही भाई मैंने मतलब टेलीग्राम चैनल को सबको ज्वाइन कर लिया, अब आपको इनके ट्विटर को भी फॉलो कर लेना है। ट्विटर को फॉलो करना, बस यहाँ से जाना, यहाँ से कर लेना फॉलो, बस आपको इतना सा काम करके छोड़ देना है। और देख सकते हैं मतलब यहाँ से मतलब देख सकते हैं जो जो मतलब पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल होंगे तो उन्हें KYC प्रोसेस भी करनी होगी, वो सब आपको बता दूंगा बाद में, बस पहले ये अपकमिंग प्रोजेक्ट में इनके मतलब रजिस्टर करके रख लो, फटाफट से कल ही ओवर हो जाएगा, जितने अकाउंट से पहले कर सकते हो कर लो। ओके, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा, 1,00,000 USD का मतलब USD का पूल है, तो यार बस मिस मत करना। ओके, फर्स्ट लूट आपको बता दिया, बात है सेकंड लूट की बारी। देखो भैया सेकंड लूट आ रही है CMA डोमेन से, तो ये बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट जैसा ऐप है, इसकी मतलब इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ओनली। तो आपको यहाँ मतलब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, ज्वाइन पे क्लिक करना। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मतलब वही है बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट जैसा, अभी तो बैकअप आपको करना पड़ेगा, तो वो अभी मैं कर देता हूँ। तो भाई देखो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करोगे, तो यार मतलब कुछ टाइम यहाँ प्रोसेस लिया जाएगा, मतलब यार वॉलेट थोड़ा मतलब हाई साइट का है, तो मतलब कुछ टाइम प्रोसेस लिया जाएगा। और बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट जैसा है, रिवॉर्ड पूल यार इनका बहुत बिग है, अभी यार इसकी फुल इन्फो अगर आपको बताने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस जैसे जैसे बताता हूँ वैसे करके रख लो। और बस जैसे कि भाइयों ये आपका ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आने वाला है, तो आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, यहाँ वॉलेट पे क्लिक करोगे, एग्री पे क्लिक करना, एग्री पे क्लिक करने में कुछ टाइम लोड लेगा। और आपको पासवर्ड रखना है 9 डिजिट का, फिर आएगी वही वाली फ्रेश की, वही आपस में जमाना है, नोट्स में सेव करके रखना, बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे भाइयों फ्रेश की वगैरह सेव कर लोगे, कुछ डालना भी नहीं पड़ेगा, बस आपकी इंस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट जैसा वॉलेट है, बस इसका थोड़ा इंटरफेस वगैरह अलग है। ओके, तो थोड़ा बहुत चला सकते हो, पर देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इसमें आपको जैसे ट्रस्ट वॉलेट में मिलते थे ना कि एक फ्रेंड को रेफर करा तो इतने इतने आपको TWT, और एक फ्रेंड को करा तो इतने इतने, तो देखो इसमें क्या, इसमें एक फ्रेंड को रेफर करोगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 2 को करोगे तो मतलब उनके और पॉइंट मिलेंगे 2-3, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट मिलने वाले हैं इसमें, तो आपको एक रेफर इसमें मस्ट करना है तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाओगे। और ये लूट सिर्फ 21 सितंबर के आसपास चलने वाली है, मतलब तब तक ओवर हो जाएगी, तो बस आपको इस पर क्लिक करना, मतलब यहाँ आप इनवाइट न्यू फ्रेंड्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मतलब आपकी रेफर लिंक निकल जाएगी, कहीं से भी आप शेयर करके रख सकते हो। और आप मतलब इसमें मतलब आप आपको पता है यार रेफर ट्रिक बहुत आती है, क्लोन वगैरह बना सकते हो, डू मल्टी स्पेस से कर सकते हो, एक ही तो रेफर करना है और कोई नंबर मतलब कोई नंबर की इसमें नीड है नहीं, ओनली फ्रेश की आपको सेव करके रखनी है, जो भी बायपास वाले अकाउंट के करोगे ना उसकी भी फ्रेश की सेव करके रखना ताकि डबल प्रॉफिट हो सके। ओके भाइयों, तो मतलब यार बना लेना, किसी से भी क्लोन बना सकते हो, MI का फ़ोन है तो मतलब डुअल में तो क्रिएट नहीं हो सकता भाइयों, सेकंड डिवाइस है तो और ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आपके पास डू मल्टी स्पेस है तो आपको पता है यार वाया ब्राउज़र उसमें डालो और ये वाला भी डाल दो, तो और वाया ब्राउज़र में अपनी ये वाली रेफर लिंक को रन कराओ और ये डायरेक्ट आपके डू मल्टी स्पेस वाले में ओपन होगी, और फिर से एक न्यू अकाउंट बना लो, फिर क्लियर डेटा करो, फिर न्यू अकाउंट बना लो। ओके, ये प्रोसेस है, पर एक रेफर मैंडेटरी है तभी आपको मिलेगा, वरना आपको कोई आपके ना रैंक शो करेगी ना आपका रिवॉर्ड आएगा। ओके, सो बस यार कर लेना, इनका टेलीग्राम कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है, मतलब आप देख वगैरह सकते हो, बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट्स के समान ही समझ लो। ओके, सो मैंने सेकंड लूट बता दी, अब आती है थर्ड लूट की बारी। देखो भैया थर्ड लूट में लेके आ रहा हूँ कंटिन्यू प्रोसेस मतलब फिफ्थ लूट का, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो भी इसके आगे की इन्फो आएगी फॉसेट वगैरह की सब आपको बता दूंगा, तो जिसने ज्वाइन करी थी सबके फ्री के टोकन आ गए होंगे, चेक कर लेना। और अब चेक कैसे करना होगा वो बताते। देखो भैया मैं आपको फॉसेट की लिंक दे दूंगा और जो जो फ्री के टोकन आए होंगे सबके मैं दे दूंगा कॉन्टैक्ट एड्रेस। पहले तो आपको ये मतलब ये वाला
बाइनेंस चेन का ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको पिछली वाली लूट में दिया वो भी मैं आपको टैग करके दे दूंगा। मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको मेटामास्क में लेके चल के दिखाता हूँ। जैसे कि भाइयों मैं आ गया अपने मेटामास्क में, पहले तो आपको कस्टम आरपीसी मतलब ऐड कर लिया स्मार्ट चेन की अगर नहीं है, और जो जिसने अभी तक नहीं लूटा ना वो अभी भी लूट सकता है, लूट स्टिल लाइव है 15 सितंबर तक। ओके तो देखो पहले तो आपको ले लेना है एक फॉसेट से बीएनबी। फॉसेट से बीएनबी कैसे लोगे, जिसने मतलब ये लूट कर ली थी तो पहले तो फॉसेट से फॉसेट पर क्लिक करना है, ये जो फॉसेट की लिंक आपको दूंगा फॉसेट पर क्लिक करोगे और अपना ये वाला जो एड्रेस है इसे कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ अपना एड्रेस करना पेस्ट, पेस्ट करने के बाद गिम्मी बीएनबी पे क्लिक करके वन पे क्लिक कर देना, गिम्मी बीएनबी वन पे क्लिक कर देना। यहाँ गिम्मी बीएनबी पे वन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैं अब दोबारा नहीं ले सकता, 24 घंटे में एक बार आता है बस, तो मैंने एक बीएनबी ले लिया। अब ये आपको बीयूएसडीटी और ये 5 BTC B कहाँ से मिलेंगे, देखो जिसने भी मतलब ये बॉट से करा होगा ना, जो मेरी ओल्ड लूट है फिफ्थ, तो आपको क्या करना है इस वाले पे क्लिक करना, बीयूएसडीटी की आपको दे दूंगा, इसी में ऐड टोकन पे क्लिक करना। यहाँ भैया यहाँ ऐड टोकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बस BUSDT का डाल देना है और यहाँ आपके सिंबल डेसिमल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना सेव हो जाएगा और आपके पास पूरे 100,000 BUSDT आ जाएंगे। और ऐसे USDT का दे दूंगा, USDC के अगर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और BTC B भी आपके पास आ गए होंगे, बस ऐड टोकन पे क्लिक करना, ये भी सेम है, कस्टम RPC वगैरह सब दे दिया आपको। ओके तो बस आपके सारे आ जाएंगे। तो अब आपको करना है इसमें टेस्ट, मतलब यही मैंने बताया था इनका जो फॉसिट है, बस अभी हम उनको टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, और ओनली टेस्ट करना है कीवी वाले ब्राउजर में, क्योंकि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कीवी वाले ब्राउजर में, ओपन करना। और जिसने अभी तक नहीं लूटाना है यार वो मस्ट टू मस्ट लूट लेना, तभी आपका प्रॉफिट होगा। जैसे भाइयों आप इसे ओपन करोगे कीवी वाले ब्राउजर में तो कमिंग जून लिखा आएगा दोबारा से, तो आपको क्या करना है, तो जैसे ही कमिंग जून लिखा है तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना, मेटामास्क में आ गई होगी आपकी एक रिक्वेस्ट, उस पर करना क्लिक और यहाँ से करा देना नेक्स्ट पे क्लिक कनेक्ट, तो आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने बाद बैक आना उसी वाले में और ये अब आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ओपन हो चुका है, ओपन होने पर आपका वॉलेट देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भैया आपको आना है यहाँ, मतलब 5 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पूल वाले सेक्शन पर आना, पूल वाले सेक्शन पर आओगे तो यहाँ आपको न्यू पोजिशन पर क्लिक करना है। न्यू पोजिशन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दो पेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, देखो दो पेयर से वही सेलेक्ट करना जिसमें आपको टोकन मिल चुके हैं, और जिसने नहीं करा वो ऑलरेडी कर सकता है, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसकी ओल्ड लिंक की पोस्ट की वीडियो मतलब आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर दोबारा से। ओके तो BTC पे क्लिक करना, यहाँ आपको फर्स्ट वाले पेयर में मेरी मानो तो यहाँ आपको रखना है BUSDT, तो आपको इस पे क्लिक करके, और सेकंड वाले पे रखना है BTC B, आपको जो मिले हो वो रख सकते हो, मुझे तो यार ये दोनों ही मिले हैं, मुझे USDC वाला नहीं मिला, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके आप यहाँ आओगे नीचे वाले सेक्शन पर, नीचे वाले सेक्शन पर आने के बाद हाँ भैया तो जैसे ही आप मतलब एड लिक्विडिटी पे मतलब कोई भी पेयर मतलब ये दोनों चूज़ कर लेना, BUSDT BNB वाले, तो BNB वाले जैसे ही आप चूज़ कर लोगे तो यहाँ आपको कुछ भी प्राइस डाल देनी है, तो मैंने जैसे 1000 डाल दी, 1000 डालने के बाद यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से मतलब बाय सेल करने का, पहले मैं वेट करता हूँ। हाँ देख सकते हैं अप्रूव BUSDT का ऑप्शन आ चुका है, तो देखो ध्यान से करना, पहले मतलब पहले वाले पेयर में BUSDT और आप कुछ भी रख सकते हो, आप BNB रख दो चाहे, तो यहाँ मैंने 1000 डाल दिया, 1000 डालने में अप्रूव BUSDT पे क्लिक करूँगा, अप्रूव BUSDT पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट और मैं उसे करा देता हूँ कंफर्म, कंफर्म कराने आ जाता हूँ बैक आने बाद मैं फिर से आ जाता हूँ शिप वाले में आने बाद देख सकते हैं अप्रूव होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना, प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपका ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पे क्लिक करना, फिर से आएगी मेटामास्क पे रिक्वेस्ट और यहाँ से आपको कंफर्म करा देनी होगी, मैंने फिर से कंफर्म करा दी, मैं फिर से बैग आ जाता हूँ और यहाँ से मेरी रहेगी पेंडिंग में और मेरी कुछ ही टाइम के अंदर सक्सेस हो जाएगी, तो देख सकते हैं सक्सेस भी हो चुकी है। देखो भैया अगर आपका मतलब BNB में हो जाता है ना तो यार BNB में करना मत, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी के फॉर्म वाला है ना कोई वहाँ BNB का ऑप्शन ही नहीं है, BUSDT BTC B में ही करना है आपको, तो मतलब फिर से मैं करता हूँ अप्रूव, फिर से वही वाला मतलब सिंपल प्रोसेस होगा, ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी, अप्रूव पे क्लिक कराता हूँ और आता हूँ फिर से बैक और अप्रूव BTC पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ से अप्रूव होगा, अप्रूव होने बाद फिर आपको करना है प्रीव्यू, जैसे अप्रूव हो गया फिर से करता हूँ प्रीव्यू पे क्लिक, ये ऐड हो जाएगा और फिर से रिक्वेस्ट आएगी मेटामास्क, जैसे भैया वो भी मैंने करा दिया, क्लोज पे करता हूँ क्लिक और यहाँ जैसे BUSDT का ऐड था ना तो अब BTC B का भी आ जाएगा। ओके तो BTC B वाला ही करना, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूँ आपको एक और प्रोसेस करनी है वो आपको क्या करना होगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ पूल में ऐड हुआ है नहीं, तो भाई मैं वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ पूल में मेरा ऐड हुआ है या नहीं।
हाँ भाई देख सकते हैं मेरा पूल में ऐड हो गया। पूल में ऐड होने बाद अब आपको आना है फार्म वाले सेक्शन पे। फार्म वाले सेक्शन पे आना, फार्म वाले सेक्शन पे आने बाद यहाँ जैसे हमने इस वाले पेयर में करा था USDT BTC B में, तो आपको यहाँ स्टेक पे क्लिक करना, फिर से आपको स्टेक पे क्लिक करना, फिर से आपके पास फिर से स्टेक पे क्लिक करना, फिर से आएगी रिक्वेस्ट और मैं यहाँ से अप्रूव करा देता हूँ। तो भाई जैसे रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैंने अप्रूव करा दिया। अप्रूव कराने बाद यहाँ मैं आता हूँ शीप वाले सेक्शन में, फिर से मेरा हो चुका है और बस यहाँ से मैं अप्रूव होने देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बस डन। तो देख सकते हैं अप्रूव हो चुका है, देख सकते हैं भाइयों मेरी लग चुकी है। बस आपको इसमें इतना सा काम करना था, यहाँ ट्रेंडिंग वाले में जब आप आओगे ना, तो जब आपका ये मतलब सब आपने स्टेक वगैरह कर दिया तो आपके में कुछ टाइम में 5 से 4 आवर के अंदर ही अंदर आपके पे SPC आएंगे कोई ना कोई, तो आपको उसकी लेनी है कि स्क्रीनशॉट। अब वो क्यों लेनी है वो आपको बता दूंगा, मतलब आपको जब आए ना तो क्लेम वगैरह मत करना, मुझे एक बार इन्फो कर देना, मैं आपको अपडेट वगैरह दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके आगे की अपडेट आपको बता दूंगा, वो बता दूंगा आपको कैसे करनी है। जैसे स्टेक पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेक दिख जाएगा, यहाँ आपका रिवॉर्ड वगैरह आ जाएगा। ओके और इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करना। पूल पे जब क्लिक करोगे, न्यू पोजीशन जब ऐड करते हो ना, तो यहाँ मतलब पहले यहाँ BUSDT मतलब सेलेक्ट करोगे और यहाँ आप सेलेक्ट करोगे बी मतलब ये वाला BTC B वाला, तो बहुत बार क्या होगा आपके में ये ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं आएंगे, मतलब लॉक से दिखाएंगे। तो फुल रेंज पे क्लिक करना, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना, तो आपके में सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। बस आपको इतना सा काम करना है, कभी कभी मतलब एरर वगैरह आ जाता है, तो बस जब आपके में पूल वगैरह है मैं आपको अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे दे दूंगा। इतना सा अभी इसमें काम करना है। और देखो फिर जब मैंने जो स्क्रीनशॉट लेने को है ना, तो उसकी ट्वीट की लिंक भी है इनके ट्विटर की, तो उस पर आपको जाके करना है क्या वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ मतलब कॉट ट्वीट पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करा, कॉट ट्वीट पे क्लिक करोगे, यहाँ कोई भी कमेंट वगैरह कर देना और वही वाली फोटो आपको अटैच कर देना। जैसे भाई वही वाली फोटो अटैच पर करना तभी जब SPC आपके पास आ जाए, नाइस प्रोडक्ट लिख के 2 से 3 फ्रेंड को टैग कर देना। इसका मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो मस्ट मस्ट ज्वाइन हो जाना। ओके भाई तो भाई आपको थर्ड लूट की अपडेट दे दी, मतलब पूरी न्यू इन्फो बता दी, कंटिन्यू प्रोसेस। अब आती है फोर्थ लूट की बारी। फोर्थ लूट आ रही है कूकॉइन की तरफ से, तो ये मतलब इसमें हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा विड का, और कितने विड का करना है हमें करना है पूरे। अब देखो इन्फो बताता हूँ, हमारे पहली वाली एक्टिविटी आ रही है, 3 एक्टिविटी है, मतलब है पहली वाली एक्टिविटी से, और 14 सितंबर को एंड भी हो जाएगी। ओके तो देखो हमें कैसे करना होगा, यहाँ KYC वेरीफाई करनी होगी पहले तो कूकॉइन में, वो कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। कूकॉइन में आ जाना, अकाउंट नहीं बना लेना, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो जैसे कि मैंने इसे ओपन कर लिया, ओपन करने बाद आपको आना है प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ आपको आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखेगा, आइडेंटिटी ऑप्शन पे क्लिक करना, तो देख सकते हैं यार मैंने ऑलरेडी अपनी वेरीफाई करा रखी है, ये मैं जरा सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा। आपके सामने कोई भी मतलब बस थोड़ी बहुत इन्फो डालने का ऑप्शन आएगा कि ID का नंबर डालो, मतलब डेट ऑफ बर्थ में कुछ थोड़ा बहुत नेशन कि आप कहाँ से हो, मतलब नेशनलिटी अपनी बताओ, तो बस कुछ भी रैंडम फेक डाल देना, इंस्टेंट के इंस्टेंट आपकी अप्रूव हो जाएगी। ये KYC आपने अप्रूव कर ली। ओके अब देखो इसमें सेकंड प्रोसेस क्या है, इसमें कहा गया है कि आपको 10,000 विड का बाय सेल कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब जब तक इसका ट्रेडिंग चलता है। 8,000 का रिवॉर्ड पूल है, मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट समझ लो आपका हो जाएगा, मतलब देखो थोड़ा सा ये भी इन्फो दे रहे हैं, $5 से $10 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके और फिर आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट कैसे करोगे वो बताऊंगा पहले, फिर आपको अपने विड USDT पेयर में फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेना है। वो कैसे ऐड करोगे वो भी बताता हूँ। आपको आना है यहाँ ट्रेड वाले सेक्शन पर, या आना मार्केट वाले सेक्शन में। मार्केट वाले सेक्शन पर आने बाद सर्च पर क्लिक करना और यहाँ सर्च कर लेना विड। विड सर्च करना, विड USDT पे क्लिक करके ऐड टू फेवरेट पे कर लेना, बस यहाँ से इतना काम है। फिर आपको आना ट्रेड वाले सेक्शन पे। ट्रेड वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना, तो सबसे ऊपर ही शो हो जाएगा विड, तो आपको विड वाले पे क्लिक करना और 10,000 विड का हमें वॉल्यूम कंप्लीट करना है। तो 10,000 विड मैं आपको बताता हूँ कितने होंगे। 10,000 विड देखो, 10,000 विड की वैल्यू होती है ओनली $101। अब देखो बाय सेल दोनों जगह चलेगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी TRX वगैरह डिपॉजिट करना। इसमें तो मिनिमम ट्रेड वगैरह कुछ होती नहीं, बाइनेंस की तरह की $10 ही होती है, और इसे भेज देना अपने ट्रेडिंग वाले अकाउंट में। ट्रांसफर पे क्लिक करके सबको बताया, कंफर्म पे क्लिक करना, ट्रेडिंग वाले अकाउंट में चला जाएगा, और मतलब फिर आपको उसे BUSDT मतलब आपको ट्रेड कर लेना TRX को USDT से
अगर 5 भी है ना तो आप 20 बार कर सकते हो, 10 बार बाय 10 बार सेल आपका काम होगा खत्म और प्रॉफिट आपका 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $3 से $6 का। क्योंकि यार मैं थोड़ा कम लेकर चलता हूँ, क्योंकि यार मतलब बहुत बंदे करते हैं यार कुकॉइन का, और क्योंकि देखो इसमें तो वॉल्यूम भी बहुत कम है, बस 101 का हमें वॉल्यूम बनाना है बाय सेल का, जैसे बाइनेंस के हमने रैम टोकन में बनाया था ना बिल्कुल वैसी। आप प्रीवियस वीडियो में मेरी देख सकते हो अगर आपको कुछ मतलब नहीं पता। और बाय कैसे करते हैं, बाय करने के लिए मतलब रेड का नीचे का हम टॉप यूज़ करते हैं, मतलब सबसे नीचे वाला यूज़ करते हैं, और सेल करने के लिए ग्रीन का सबसे ऊपर वाला टॉप यूज़ करते हैं, वो तो सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप लिमिट पे क्लिक करके मार्केट पे भी क्लिक कर सकते हो, सारे आपके मार्केट में सेल होंगे, पर मार्केट में थोड़ी बहुत फी ज़्यादा लगती है। और देखो मतलब जिस ट्रेडिंग पेयर पे आप करते हो ना सेल, उसी पे ही आपको करना है मतलब आपको बाय, तो मतलब बहुत सिंपल है। और देखो आपकी कोई भी ज़्यादा फीस नहीं कटने वाली, क्योंकि विट टोकन है वो थोड़ा पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं मार्केट इसका भाग नहीं रहा, मतलब फटाफट जैसे इधर उधर जाता है जैसे BTC वगैरह का। ओके तो बस आप कर लेना, फ़ी वगैरह को ज़्यादा लगेगी नहीं, 10 से 20 रुपये आपकी फ़ी लगेगी, तो कर लेना यार। 14 सितंबर को एंड हो जाएगा, आपका ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा $5 तक का। ओके भाई सो मैंने आपको बता दी 4th लूट, अब आती है 5th लूट की बारी। देखो भाई 5th लूट आ रही है न्यू फैंटम टोकन की तरफ से, और ये भाइयों फ्री के टोकन दे रहे हैं मतलब फैंटम के, तो पहले हमें करने पड़ेंगे कनेक्ट, और टेस्ट नेट की ही लूट है, तो मतलब यार टेस्ट नेट की लूट एक भी मिस मत करा करो, प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। अब देखो फैंटम टोकन आपको ऐड किस में करना है, ऐड आपको करना है मेडामास में। मैं आ जाता हूँ मेडामास वाले सेक्शन में और ऐड वगैरह कर लेता हूँ। मेडामास में आ गया, मैं अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ से दे देता हूँ। पासवर्ड वगैरह देने के बाद अनलॉक पे करना क्लिक, अनलॉक पे क्लिक करना, नीचे स्लाइड करना, कस्टम आरपीसी पे क्लिक करना, आपको URL वगैरह मतलब नेम नेटवर्क सब आपको यहाँ डाल देना, एक एक करके टेलीग्राम चैनल पे सब आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ओके भाई मैंने डाल दिया, सेव पे करता हूँ क्लिक, सेव पे क्लिक करने में यहाँ से कर लेता हूँ कट। अब देख सकते हैं मेरा फैंटम टोकन आ चुका है। अब अगर हमें टेस्ट वगैरह करना है तो हमें फॉसिट में टोकन भी चाहिए होंगे, तो आपको यहाँ क्या करना है, मैं फॉसिट की लिंक भी आपको दे दूंगा, यहाँ आपको एड्रेस अपना पुटअप करना है फैंटम का, तो फैंटम का एड्रेस आपको यहीं से मतलब यहाँ से कॉपी वगैरह कर लेना, इस पर क्लिक करना कॉपी हो जाएगा, और मैं सेकंड ब्राउजर में यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट, रिक्वेस्ट फैंटम टोकन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है ये देखो भाई, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट करी और मैं सक्सेसफुल टेस्ट नेट के टोकन रिसीव हो गए मुझे उस वाले अकाउंट में। भाई मैंने दूसरा अकाउंट बनाया आपको दिखाने के लिए। अब देखो यार मतलब यहाँ उसमें देख सकते हैं आ भी गए, उसमें क्यों नहीं रिसीव हो रहे थे, क्योंकि यार उसमें मेरे कुछ ज़्यादा ही टेस्ट नेट के टोकन हो गए थे, इसलिए कुछ एरर आ रहा था, पर मैं कुछ टाइम बात कर लेता तो हो जाता, पर आपको अभी दिखाना है इसलिए मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। ओके तो पहले तो आपने ये वाला काम कर लिया, फॉसेट से क्लेम कर लिया, आपको टेस्ट हेयर पर क्लिक करके इससे ओनली ओपन करना है कीवी वाले ब्राउज़र में। तो मैं जैसे कि इसे कीवी वाले ब्राउज़र में ऑन कर लेता हूँ, और आपको इसे करना पड़ेगा डेस्कटॉप साइड पे, वरना आपका ओपन नहीं होगा। आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना, अथोराइज की रिक्वेस्ट जाएगी, नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका सक्सेसफुली वॉलेट हो जाएगा कनेक्ट। वॉलेट कनेक्ट होने में आपको बैक आ जाना है फिर से उसी में, आपको यहाँ गेट FS टोकन पे क्लिक करना, गेट FS टोकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ गेट FS टोकन पे क्लिक करोगे आपको मेटामास्क में जाएगा, रिक्वेस्ट एक बार फिर से कंफर्म करा देना, उसे कंफर्म करा दिया, जैसे कि मैंने कंफर्म कराने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं भाइयों यहाँ मतलब गेटिंग टोकन आएगा, फिर आपका टोकन रिसीव हो जाएगा इंस्टेंट के इंस्टेंट जब वहाँ से कंफर्म करा दो। कंफर्म कराने में अब आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है स्टेकिंग का, आपको स्टेकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, पहले तो वो मैं आपको यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह में जाके दिखा देता हूँ, यहाँ फॉसेट वगैरह में आपको मतलब सारे टोकन वगैरह मिल गए होंगे, देख सकते हैं 1000 FSN टोकन भी मुझे मिल चुके हैं, इससे ही हमें अब करना है। पहले आना आपको स्टेकिंग वाले सेक्शन में, और यहाँ आपको मतलब पहले स्टेक करना है टोकन में, फिर करना है हमें NFT में, तो हमें स्टेक करना होगा कुछ मतलब 1000 टोकन वगैरह कुछ, मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत स्लाइड वगैरह लेगा, मतलब भाई इस पर आपको अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत क्लिक वगैरह करोगे तो आगे पीछे होगा, तो आपको एक टायर तक इसे लेकर आना है, एक टायर तक मतलब 1000 बस, मतलब 1000 तक बस आपको लेकर आना है इसे। तो मैंने जैसे 1000 पे बस, ये तो यार थोड़ा हार्ड सा काम है, बस थोड़ा ध्यान से देख के 1000 तक यहाँ ले आना, तो मैं जैसे कि 1000 तक कर लेता हूँ। हाँ भैया जैसे मेरा 1000 हो गया, आपको अप्रूव पे बस एक बार क्लिक करना है, मेटामास्क में जाएगी रिक्वेस्ट और उसे करा देना आपको कंफर्म। कंफर्म करा देने के बाद फिर से आ जाना बैक, बैक आने के बाद मैं आ जाता हूँ उसी वाले उसमें, तो यहाँ से अप्रूव मतलब अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे आपका सक्सेसफुल। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे भैया मेरा अप्रूव हो गया सक्सेसफुल, अब आपको करना है स्टेक पे क्लिक। स्टेक पे क्लिक करने के बाद फिर से आएगी मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट, फिर से उसे करा देना कंफर्म, तो जैसे कि वो भी मैंने कंफर्म करा दी। कंफर्म कराने के बाद फिर से आ जाना मतलब फॉन्टम वाले में, और यहाँ आपका स्टेक भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हैं भाई यहाँ स्टेकिंग आ जाएगा और मेरा सक्सेसफुल यहाँ से स्टेक मतलब टोकन्स में पहले हो जाएगा। ओके तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ।
तो हाँ भाई देख सकते हैं मेरा स्टेक हो चुका है सक्सेसफुल। स्टेक सक्सेसफुल है, अब आपको यहाँ ऑप्शन आएगा एक अनस्टेक का, स्टेक के साइड में अनस्टेक पे क्लिक करके अनस्टेक 10% पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे फिर से आएगी मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट और उसे करा देना कंफर्म। कंफर्म कराने में मैं फिर से आता हूँ बैक, बैक आने बाद देख सकते हैं अनस्टेक हो चुका है सक्सेसफुल। ये काम हो गया मेरे टोकन में। अब आपको NFT बाय करनी है, स्टोर पर आना, मतलब थर्ड ऑप्शन दिखेगा स्टोर पर आना और 20 FS वाली NFT पे अप्रूव पे क्लिक करना। अप्रूव पे क्लिक करना फिर से आएगी मेटामास्क में रिक्वेस्ट, उसे करा देना कंफर्म। मैंने जैसे अभी कंफर्म करा दिया, अप्रूव पे क्लिक करना, जैसे हो गई मेरी बाय पे क्लिक करना, बाय पे क्लिक करना फिर से एक रिक्वेस्ट आएगी और फिर से उसे करा देना कंफर्म। फिर से यहाँ बाइंग आएगा और फिर यहाँ से सक्सेस लिखा आ जाएगा। ओके जैसे यहाँ सक्सेस लिखा आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई जैसे कि मेरा सक्सेस भी लिखा आ चुका है, अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। देखो आपको ज़्यादा बड़ी पहले बाय नहीं करनी है, सिर्फ 20 या 45 की बाय करके रख लेना। ओके फिर आपको बताता हूँ क्या करना होगा। फिर भाई यो मतलब फिर से आपको आ जाना है स्टेकिंग वाले सेक्शन में। स्टेकिंग वाले सेक्शन में आना, हमने टोकन में तो कर लिया था स्टेक एंड स्टेक, अब हमें करना है NFT में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा यार अच्छे से दिख रहा होगा, तो यार उम्मीद करता हूँ आपको मतलब अब NFT वाले पे क्लिक करना है। NFT वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी NFT शो होने लग जाएगी ये वाली, उसे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने बाद देख सकते हैं अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देख सकते हैं अब आप देख पा रहे होगे अप्रूव का ऑप्शन आएगा। अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से मेटामास्क में जाएगी रिक्वेस्ट, उसे करा लेना कंफर्म। मैंने करा लिया कंफर्म। कंफर्म कराने बाद मेरा कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ से सक्सेस हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। हाँ भैया देख सकते हैं मेरा हो चुका है। होने बाद अब आपको करना है यहाँ स्टेक पे क्लिक, फिर से स्टेक पे क्लिक करोगे फिर से मेटामास्क में जाएगी रिक्वेस्ट, फिर से करा देना कंफर्म। कंफर्म कराने में फिर से आना यहाँ और देख सकते हैं स्टेक हो चुका है सक्सेसफुल। अब आप यहाँ भी चेक कर सकते हो अनस्टेक में आके कि आपका स्टेक देख सकते हैं मेरा हो चुका है, स्टेक हो चुका है लॉक। बस हमें क्या करना था, पहले टोकन में स्टेक अनस्टेक करना था और NFT को बाय करके स्टेक करना था, बस इतना सा काम करना था। पूरी वीडियो आराम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके और देखो फ्री के हमें फॉसिट के इसमें माइननेट के टोकन मतलब 50 से 100 डॉलर का मुझे प्रॉफिट लगता है, क्योंकि पहला फैंटम का प्रोजेक्ट आ रहा है टेस्टनेट का और आपको बिल्कुल यूनिक बता रहा हूँ। तो भाई बस कर लेना 5th लूट में, बस इतना ही था। अब आती है 6th लूट की बारी। देखो भाई 6th लूट में देता हूँ कॉलवर की पेटीएम रिडीम ट्रिक। अब देखो यार वो करना कैसे है, पहले तो मैं कॉलवर वॉलेट ओपन कर लेता हूँ। तो भैया मैं आ गया कॉलवर वाले वॉलेट में। अब आपको सोको टोकन मिलेंगे 30, वो भी $10 के अप्रॉक्स। तो आपको देखो यार उन्हें सेल वगैरह कैसे करना है। आप जैसे यहाँ सेंड पे क्लिक करते हो ना, सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेंड वगैरह तो कर सकते हो सुकेरा, क्योंकि देखो सुकेरा जो टोकन है ना वो मतलब बहुत बिग एक्सचेंज पे लिस्टेड वगैरह भी है। पर यार मेरा मानो ना तो एक होल्ड करो, जो क्रिप्टो में नहीं है यार वो बोल रहे हैं रिडीम क्लाउ सेल वगैरह करना है। तो देखो यार देखो होगा कैसे, देखो पहले तो ऑल टाइम हाई इसका देख लो, 24 दिन पहले मतलब ₹65 एक टोकन की प्राइस हो रही थी। तो मतलब यार अगर होल्ड कर रखते हो ना तो 3x तो इजीली होने वाला है, और मतलब 3x कह रहा हूँ मतलब आपका 30x हो जाएगा, मतलब हाँ 3x आपका इजीली होने वाला है। और देखो पर ये लिस्टेड कहाँ कहाँ है, हुबी ग्लोबल पे है, गेट पे है, तो बस इससे ज़्यादा चाहिए क्या। और पर ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग पेयर पे भी है, मतलब पर ये यहाँ पर मेन दो हैं। ओके तो देखो यार हम इसे कर तो सकते हैं, पर देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको हुबी ग्लोबल में लेकर जाके दिखाता हूँ। तो भाई मैं हुबी ग्लोबल में आ गया, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ सुकू। सुकू सर्च करने बाद यहाँ आप देख सकते हैं ERC20 का नेटवर्क है ये सुकू। तो मतलब यार समझ जाओ मतलब फीस लगने वाली है बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होगा, फीस लग जाएगी बहुत ज़्यादा। मैंने इनके एडमिन वगैरह से भी कॉन्टेक्ट करा था तो कह रहे थे आप वेट करो, हम BSC में भी अपना टोकन ये लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं आपको देखो उसका प्रूफ दिखाता हूँ, देख सकते हैं भाई जब हम क्रॉस चेन में ट्रांसफ़र करेंगे ना तब हमारी लगेगी फीस ERC20 की। और इन्होंने खुद बोला है कि हम हुबी ग्लोबल पे हैं तो हम मतलब ट्राई कर रहे हैं फुल कि हम BSC में भी लिस्ट हो जाएं। पर देखो मैं उनके लिए बता देता हूँ यार, जिन्हें चाहिए मतलब लिस्ट मतलब सेल ही करना है तो आपको इस पर करना क्लिक। इस पर क्लिक करने बाद यहाँ आपको क्रॉस चेन पे पहले क्लिक करना, क्रॉस चेन पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ इथेरियम नेटवर्क ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, पब्लिक एड्रेस आपको यहाँ देना पड़ेगा। और देखो यार देखो तभी बता रहा हूँ बिल्कुल अभी मत करो सेल, जब BSC का नेटवर्क आएगा ना तभी करना सेल, क्योंकि यार इसमें मतलब बिल्कुल भी देखो फ़ी बहुत कम लग रही है। और देखो इसमें तो इतनी फ़ी लग रही है ETH वाले में कि अगर आप करने चले गए ना तो इतने तो आपके पास सोकू नहीं है जितने क्रॉस चेन फ़ी में कट कर लेगा ये। इसलिए बोल रहा हूँ यार होल्ड कर लो, जब मतलब BSC
इसी नेटवर्क में लॉन्च होगा, तो मतलब समझ लो भाई यहाँ हमारे पास पैसे पड़े हैं, बस यार जैसे आप वो डालते हो ना FD वगैरह बैंक में, तो बस वैसे पैसे पड़े हैं, तो बस हमें होल्ड करना है, तो बस यार होल्ड करो, जब इसका BSE मैंनेट में लॉन्च होगा तब आपको बताऊँगा कैसे सेल करना है। ERC20 में सेल करोगे तो आप खुद ही देख सकते हो 0 रुपीज़ का भी प्रॉफिट नहीं है, तो बस यार वेट करो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ओके, मैंने 6 लूट का अपडेट आपको दे दिया, अब हाँ इसमें एक और लूट का अपडेट देता हूँ। हाँ भाई देखो मैं इसमें अपडेट देता हूँ हेक्स वॉलेट का भी। तो देखो हेक्स वॉलेट में क्या है, इसका जो यार ये टोकन है ना ये बस होल्ड करके रख लो, मतलब HT मतलब अपने टोकन वॉलेट में, मतलब जितने लेने ले लो और जितने अकाउंट बनाने हैं बना लो, क्योंकि यार अगर HT आप रखोगे ना ये कुछ ही दिनों में लाइव होने वाला है, मतलब कल परसों तरसों मतलब कभी भी हो सकता है, कुछ ही दिनों में लाइव होने वाला है। एडमिन वगैरह से बात करी है, 20 से इसका कॉन्टैक्ट वगैरह भी हो चुका है, तो बस यार रिवॉर्ड पूल तो ऑलरेडी बताया बहुत बड़ा है, तो बस यार करके रख लो प्रॉफिट हो जाएगा बहुत अच्छा वाला। 6 लूट में दोनों चीज़ों का आपका अपडेट दे दिया, रिडीम ट्रिक का और हैक्स वॉलेट का। बात की लास्ट 7th लूट की बारी, तो बस 7th लूट में आ रहा है एक फॉर्म, फॉर्म पे क्लिक करना, आपको फॉर्म वगैरह सेलेक्ट करना है और वो आज ही ओवर हो जाएगा, मतलब आज ओवर तो नहीं होगा हमारे हिसाब से तो कल होगा, पर देखो पर कर लेना देखो फटाफट। पहले आपको BSE का एड्रेस देना, BSE का एड्रेस आपको देना है ट्रस्ट वॉलेट से। मैं आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में और मैं अपना दे देता हूँ BSE का एड्रेस, मैं आ गया मैं अपना दे देता हूँ BSE का एड्रेस, BSE दे देना, मेल डाल देता हूँ भाई। देखो मेल डाल दी, अब आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना और इन्हें कर लेना है ट्विटर पर फॉलो और उसकी ले लेनी है एक स्क्रीनशॉट और वहाँ कर देना आपको अटैच। मैंने कर दिया फॉलो और मैंने ले ली स्क्रीनशॉट, अब यहाँ आपको फाइल कर दिया अटैच और फिर आपको क्या करना है बता दो भाई। मैंने अटैच कर दी, अब आपको क्या करना है इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और 2 फ्रेंड को आपको मतलब ट्वीट में मतलब टैग कर देना है। तो देखो यहाँ इस पे क्लिक करना, यहाँ कुछ भी लिख देना, नाइस प्रोजेक्ट वगैरह, 2 फ्रेंड को टैग करके SS ले भाई। देखो मैंने लाइक भी कर दिया और मैंने ट्वीट भी कर दी, इसकी ले लेता हूँ एक SS और आ जाता हूँ बैक फॉर्म वाले पेज पर अटैच कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ भी सबमिट कर दिया, अब आपको क्या करना है इनके डॉगी स्वैप को भी फॉलो करना, उसकी भी इन्हें SS देनी, यार इनके खुद का स्वैप का टोकन है तो यार बिल्कुल भी मिस मत कर देना। मैंने इसे भी फॉलो करा, इसकी भी SS अटैच कर दूंगा और इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इसकी भी SS आपको अटैच कर देना, फिर लास्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो भाई इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी SS ले ली, अब मैं इसे कर देता हूँ वहाँ अटैच। जैसे भाई मैंने सारी प्रोसेस कर दी, लास्ट प्रोसेस में क्या करना है आपको एक डैप की लिंक दूंगा, उसकी आपको कनेक्ट करके SS देनी है बस। तो जैसे मैंने डैप की लिंक यहाँ डाल दी और यहाँ आपको स्मार्ट चेन का नेटवर्क कर लेना सेलेक्ट और ये कुछ टाइम में ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कनेक्ट का पॉपअप आ जाएगा, नहीं आता तो खुद कर लेना। जैसे ही कनेक्ट का पॉपअप आ गया और देख सकते हैं यहाँ मेरा एड्रेस करने लग गया शो, इनका यार खुद का स्वैप है यार, तो मतलब बिल्कुल भी मिस मत कर देना, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ मतलब BSE वगैरह आ गया, बस इसकी एक लेना स्क्रीनशॉट, वहाँ कर देना अटैच। तो भाई मैंने सारा फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, 7 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, कल हो जाएगा ओवर, तो बस यहाँ सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक और बस भाइयों मेरा काम हो गया खत्म। बस आपको भी इतना सा काम करके छोड़ देना है भाइयों, तो 7 की 7 लूट बिल्कुल OP हैं, एक भी लूट मिस मत कर देना। तो बस भाइयों एक भी लूट मिस मत कर देना यार, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, सबकी लिंक वगैरह आपको अपडेट वगैरह सब यहीं पे दूंगा, बस यहाँ ज्वाइन करके रख लेना और मतलब आपका बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। सो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नेक्स्ट लूट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।